हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में बस सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कैसे करेंगे। तो आपको अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपना डायलर ओपन कर लेना है। वो अपने फ़ोन के अंदर डायलर ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे जाएंगे और सेटिंग्स में जाएंगे। जब आप सेटिंग में जाएंगे तो सारी सेटिंग आपके फ़ोन के अंदर ओपन हो जाती है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको देख मिल जाता है कॉलर आईडी एंड स्पैम, इस पे जाएंगे और इन दोनों को आपको ऑन कर देना है। जब इसे आप ऑन कर देंगे तो आपके फ़ोन के अंदर जैसे ट्रू कॉलर काम करता है, सेम आपके लिए वैसे ही काम करती है। उसके बाद आपको ऑप्शन दो मिल जाता है ब्लॉक नंबर्स, ब्लॉक नंबर पर जाएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दो मिल जाता है अननोन कॉल ब्लॉक, जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है अगर उनकी कॉल आपको ब्लॉक करनी है तो इसे आपको ऑन कर देना और अननोन नंबर की कॉल आपकी ब्लॉक हो जाएंगी। इसे आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पर्सनल या कोई प्राइवेट नंबर है उसकी कॉल आपको ब्लॉक करनी है तो ऐड ए नंबर पर जाएंगे और उस नंबर को आप यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका ये ब्लॉक वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम कोई भी नंबर डाल देते हैं अपने फ़ोन के अंदर 198 और यहाँ आपको ऑप्शन हो जाता है ब्लॉक का, इसे आपको ओपन हो जाता है। अगर आपको इसे ब्लॉक नंबर या नंबर ब्लॉक हो जाएगा, इनबिल्ट फीचर अनब्लॉक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे हम अनब्लॉक। इस प्रकार से नंबर आपका ब्लॉक हो जाता है और इसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर ऑप्शन देखो मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट का, तो सिंपली आपको कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक कर देना है। कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आंसर एंड एंडिंग कॉल, इस पर जाएंगे। यहाँ मिल जाता है ऑटो आंसर कॉल विद कनेक्टेड योर एक्सटर्नल ऑडियो डिवाइस। इसे ऑन करने से क्या होता है, जब आपके पास कोई ब्लूटूथ या हेडसेट कुछ भी कनेक्ट है आपके फ़ोन से तो आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। अगर कॉल आती है तब उसमें टाइम दे रखा है, 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन मिल जाता है प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, इसे ऑन करने से अगर आपकी कॉल चल रही है बीच में अगर पावर बटन प्रेस करते हैं तो आपकी कॉल एंड हो जाती है। वाइब्रेट बैन एंड अदर पार्टी आंसर एंड एंडिंग, इसे ऑन करने से क्या है, अगर आपके पास कोई कॉल चल रही है तो कोई कॉल कट करते हैं या कॉल रिसीव होती है, किसी से कनेक्ट होती है तो आपके फ़ोन में वाइब्रेशन होता है ताकि आपको पता लगे कि हमारी कॉल कनेक्ट हो चुकी है। इस प्रकार से इसे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ आपको और ऑप्शन दो मिल जाता है मोर सेटिंग का, मोर सेटिंग में जाएंगे, फ्लैश लाइट बिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, इसे आप ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन दो मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग का, इस पर जाएंगे। इसमें आपको ऑप्शन दो मिल जाता है नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, इसे आपको ऑन कर देना है, ऑलवेज रिकॉर्ड कर देना है। अब आपके फ़ोन के अंदर वो कॉल रिकॉर्ड होना शुरू हो चुकी है जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है, जो नंबर आपके फ़ोन में नाम से सेव नहीं है, जिन्हें हम बोलते हैं अननोन नंबर की कॉल है। अगर आपके पास जो नंबर सेव है उनकी कॉल रिकॉर्ड करनी है तो आपको ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्टेड नंबर, इस पर जाएंगे, इसे ऑन कर देंगे, ऑलवेज रिकॉर्ड करेंगे। अब आपके फ़ोन के अंदर वो कॉल रिकॉर्ड होना वो स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आपको जो नंबर आपके फ़ोन में सेलेक्ट है जिसे आप सेलेक्ट करेंगे तो चूज ए कॉन्टैक्ट पे जाएंगे और उसको सेलेक्ट कर देंगे तो उसकी कॉल रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। एक बार में सारे कॉन्टैक्ट सेलेक्ट नहीं होंगे, आपको एक एक करके करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। सेकंड मिल जाता है डिस्प्ले ऑप्शन, डिस्प्ले ऑप्शन में आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले मिल जाता है आपके फ़ोन के अंदर जो अपने कॉन्टैक्ट है उनका नाम कैसे शो करना है, सर्ट नेम से या फर्स्ट नेम से, जो आप चाहते हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर मिल जाता है चूज थीम मिल जाता है, डार्क थीम मिल जाता है, लाइट मिल जाता है, जो भी चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डार्क थीम अगर लाइट चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं और सिस्टम चाहिए तो सिस्टम से यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको नियर बाई प्लेसेस मिल जाते हैं जो कि हमारे फ़ोन में हमने यहाँ से ऑन कर रखे हैं। नियर बाई प्लेसेस आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है, जैसे आप यहाँ से अपने फ़ोन में कोई भी मैसेज आप सेट कर लेंगे, जैसे आप कहीं बाइक पे हो, कार पे हो, मीटिंग पे, तो हम एक मैसेज को इसको सेट करके रखेंगे। जैसे हम किसी की कॉल कट करेंगे तो आपको सामने वाले को मैसेज ऑटोमेटिक पहुँच जाता है, जिसकी भी आप कॉल नहीं उठा पाते कभी कभी बाइक पे, कार पे, मीटिंग में हो, कहीं भी। उसके बाद ऑप्शन मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, सारे साउंड आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जो भी साउंड चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको वॉइस मेल का ऑप्शन मिल जाता है, वॉइस मेल कर सकते हैं। कॉलर आईडी एंड अनाउंसमेंट मिल जाता है, इस पर जाएंगे। इसमें आपको ऑप्शन दो मिल जाता है अनाउंसमेंट आईडी, इससे क्या है नेवर पे है। इसमें आपको तीन ऑप्शन दो मिल जाते हैं, ऑलवेज, ओनली हैंडसेट यूजिंग या नेवर। इसमें ऑलवेज पर सेट कर देंगे तो जिसकी भी कॉल आती है तो उसका नाम बोल के बताता है आपके फ़ोन ये कॉलिंग कर रहे हैं आपको। अगर हैंडसेट पर कर देंगे आप हैंडसेट ओनली पे, तो आपको जब आपके फ़ोन में कोई डिवाइस कनेक्टेड हो, ऑडियो डिवाइस कनेक्ट हो, जैसे हेडफोन हो, ब्लूटूथ कुछ भी कनेक्ट हो, तब आपके लिए काम करता है ये। अगर आपको इसमें चाहिए तो इसे आप ऑन कर लेंगे। फ्लिप टू साइलेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इसे ऑन कर देंगे। इसे ऑन करने से क्या होता है, जब आपके पास कोई कॉल आती है और अपने फ़ोन को इस प्रकार से फ्लिप करते हैं तो आपकी वह कॉल साइलेंट हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप स्मार्ट कॉल सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।